नमस्कार मैं दिबांजली मोहिता अरविंद केजरीवाल तीसरी बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने उनकी अगुवाई में जबरदस्त प्रचार अभियान दिल्ली में शुरू किया है अच्छे बीते पांच साल लगे रहो केजरीवाल के नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव का अभियान शुरू किया है कामकाज के लिहाज से ये पांच साल कैसे बीते हैं ये तो जनता आठ फरवरी को होने वाली वोटिंग में बताएगी लेकिन केजरीवाल की संपत्ति के लिए उनका कार्यकाल कैसा रहा उन्होंने अपने हलफनामे में इसकी जानकारी खुद दी है इक्कीस जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया नामांकन के साथ केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी संपत्ति की भी जानकारी दी केजरीवाल ने कुल तीन दशमलव चार करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है जो 2015 से एक दशमलव तीन करोड़ ज्यादा है 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी संपत्ति की कीमत दो दशमलव एक करोड़ बताई थी अब उनकी ये संपत्ति बढ़कर तीन दशमलव चार करोड़ रुपए की हो गई यानी पाँच साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की कुल आय में एक करोड़ तीस लाख का इजाफा हुआ 2015 में केजरीवाल के पास दो लाख छब्बीस रूपए कैश था जो बढ़कर 2020 में नौ लाख पैंसठ हजार हो गया जबकि अचल संपत्ति की बात की जाए तो केजरीवाल की अचल संपत्ति की, की कीमत 2015 में बानवे लाख रुपए थी जब बढ़कर एक करोड़ सतहत्तर लाख रुपए हो गई, यानी अरविंद केजरीवाल के पास कैश भले ही ज्यादा ना हो लेकिन उनकी अचल संपत्ति की कीमत में पिचासी लाख का इजाफा हुआ है अरविंद केजरीवाल की अचल संपत्ति में इजाफे होने के वजह केजरीवाल की संपत्ति की कीमत बढ़ना है इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल की ही सिर्फ संपत्ति नहीं बढ़ी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की आय भी बढ़ी है हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार 2015 में सुनीता केजरीवाल की कुल आय 15 लाख बताई गई थी जो 2020 में बढ़कर संतावन लाख हो गई, यानी पांच साल में सुनीता केजरीवाल की आय बयालीस लाख बढ़ गई अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो के जरिए वोटरों को लुभाने में लग गए और अपने काम के बदले वोट मांग रहे हैं कोई भी सरकार फ्रेश पॉलिसी अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है क्योंकि कोई भी फ्रेश पॉलिसी अनाउंसमेंट करने से वोटर्स इन्फ्लुएंस होते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट एक फरवरी को आने जा रहा है जाहिर सी बात है कि एक फरवरी को जो बजट आएगा उससे उसमें जो अनाउंसमेंट्स होंगे उससे वोटर इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आया चारों तरफ से पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी कि हम लोग इस पे ऑब्जेक्शन करें और हम लोग चुनाव आयोग को लिखें और जो भी संभव प्रयास हैं कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाएं और कोशिश करें कि एक फरवरी को बजट पेश करने से केंद्र सरकार को रोका जाए ताकि वो चुनाव प्रभावित ना कर सकें ऐसा मेरे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आया लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मुझे ये लगता है कि दिल्ली का विकास किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए राजनीति को दिल्ली के विकास से अलग रखना चाहिए इसीलिए हम चाहते हैं कि एक फरवरी को ही बजट आए और हम ये भी चाहते हैं कि उस बजट से उस बजट में दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए भरपूर घोषणाएं की जाएं, खूब सारी घोषणाएं की जाएं, ताकि दिल्ली के लोगों का भला हो और दिल्ली का विकास और तेजी से हो हम सब लोग चाहते हैं और सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में यह कहेंगी ही कि भाई दिल्ली का पोल्यूशन कम होना चाहिए कौन सी पार्टी है जो नहीं कहेगी सभी पार्टियां कहेंगी कि दिल्ली का पोल्यूशन कम होना चाहिए सभी पार्टियां कहेंगी कि हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करेंगे कौन सी पार्टी है जो नहीं कहेगी सभी पार्टियां कहेंगी कि मेट्रो को बढ़ाया जाना चाहिए हम आए तो मेट्रो को बढ़ाएंगे कौन सी पार्टी है जो नहीं कहेगी सभी पार्टियां कहेंगी कि यमुना साफ होनी चाहिए कौन सी पार्टी है जो नहीं कहेगी सबके मैनिफेस्टो में होगा सभी पार्टियां कहेंगी कि सीवर की लाइन घर घर में लेके जाएंगे कौन सी पार्टियाँ नहीं कहेगी सभी पार्टियां कहेंगी कि सफाई होनी चाहिए दिल्ली की तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार जो बजट एक फरवरी को प्रस्तुत करेगी उसमें दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को दूर करने के लिए उचित फंड्स का प्रावधान किया जाना चाहिए पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उस पराली से निजात दिलाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को जो भी फंड देने की ज़रूरत है केंद्र सरकार उसका प्रावधान करे हम चाहते हैं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है वो सारे फंड्स दिल्ली सरकार को मुहैया कराए केंद्र सरकार इस बजट में हम चाहते हैं कि यमुना को साफ करने के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है वो सारे फंड्स केंद्र सरकार मुहैया कराए दिल्ली सरकार को एक तारीख के बजट में हम चाहते हैं कि घर घर तक पानी और सीवर पहुंचाने के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है वो सारे फंड्स केंद्र सरकार मुहैया कराए दिल्ली सरकार को दो तारीख के एक तारीख के बजट में हम चाहते हैं कि दिल्ली में मेट्रो का विस्तार करने के लिए जितने भी और पैसे की ज़रूरत है वो पैसा मुहैया कराए दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए जितने भी फंड्स की जरूरत है वो फंड्स मुहैया कराए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सभी पार्टियां ये चाहेंगी सभी पार्टियां ये घोषणाएं भी करेंगी फिर 8 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे 8 फरवरी के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की बनेगी बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की बनेगी जिसकी भी सरकार बनेगी वो फिर उस फंड्स का इस्तेमाल करके उन चीजों को ठीक करे उन फंड्स का इस्तेमाल करके फिर वो सीवर ठीक करे पोल्यूशन ठीक करे यमुना ठीक करे ट्रांसपोर्ट ठीक करे तो जिसकी भी सरकार बने तो मेरा अपना ये मानना है कि इसको राजनीति से परे रख के बजट को देखा जाए बजट के अंदर हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जितनी घोषणाएं कर सकती है दिल्ली वालों के लिए खूब घोषणाएं करें उसी तरह से हम नगर निगम को भी राजनीति के परे रखना चाहते हैं नगर निगम में इस वक्त फंड्स <coughs> 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 <funds> की बहुत किल्लत है हम चाहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी है नगर निगम में भी बीजेपी है हम उसमें बिल्कुल अड़चन नहीं आएंगे हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार नगर निगम को भी खूब फंड्स प्रोवाइड करें ताकि नगर निगम दुरुस्ती के साथ काम कर सकें ये हम अपील कर रहे हैं नगर निगम खुद नहीं अपील कर रहा हम अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो उचित फंड्स प्रोवाइड करे और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना काम करे तो हम इन प्रिंसिपल इसका समर्थन नहीं करते कि बजट को पोस्टपोन किया जाए हम इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि इस बजट में दिल्ली को लेकर घोषणाएं ना हों दिल्ली को लेके तमाम घोषणाएं दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के विकास के लिए आपको आपको नहीं लगता कि इससे चुनावी नुकसान होगा अगर बीजेपी ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली के विकास को चुनावी नुकसान और नफे और फायदे से दूर रखा जाना चाहिए दिल्ली के लोगों का विकास जरूरी है दिल्ली का विकास जरूरी है मैं चिट्ठी लिखूंगा केंद्र सरकार को और उनको कहूंगा हुँ. कि वो चुनाव की चिंता किए बिना बजट को दिल्ली के लोगों के लिए जो कर सकते हैं इस बजट में वो करें अभी उस तरह की एनालिसिस क्योंकि सरकार में अभी हम लोग नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हम ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं कर पाते हम ऑफिसर से मिल नहीं पाते तो अभी मेरे पास डिटेल्स डिटेल्स नहीं है केंद्र सरकार के पास होंगी इस अलग अलग हेडवाइज तो मैं कैसे बता सकता हूँ लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये वो मुद्दे हैं जिनसे दिल्ली की जनता जो दिल्ली की जनता के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा पोल्यूशन इम्पोर्टेंट मुद्दा सीवर पानी मेट्रो सफाई ये सारे एम ये सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं तो इन इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर जो भी जरूरत है वो उसको किया जाए और मैं अपनी तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के यही कहूंगा कि आप चुनाव की चिंता मत करना आप प्लीज गो हैड प्रेजेंट अ गुड बजट फॉर द कंट्री एंड फॉर दिल्ली वो संवैधानिक एक वो है कि जाएगा तो दिल्ली सरकार के जरिए लेकिन हमने कई बार केंद्र को भी बोला है कि आप सुबह दीजिए शाम तक हम भेज देंगे उसमें से एक पाई नहीं रखेंगे आप एमसीडी के लिए जितना फंड देना चाहते हैं आप दीजिए हम तुरंत उसको एज़ इट इज़ भेज देंगे